विमेंस प्रीमियर लीग के मैच दिन पर दिन रोमांचक होते जा रहे हैं। चिन्नास्वामी मैदान पर खेले जा रहे सभी मुकाबलों में जमकर ऑडियंस तो देखने को मिल रही है और इतनी मात्रा में दर्शक तो शायद पाकिस्तान में चल रही पाकिस्तान सुपर लीग में भी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां WPL में दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। मैच के दौरान कई ऐसे शॉट्स लग रहे हैं जिससे कार के शीशे तक टूट जा रहे। दरअसल लोकल टीम RCB और UP वॉरियर्स के बीच मुकाबला खेला गया और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने एक ऐसा शॉट मारा जो सीधे टाटा की स्पॉन्सर कार के शीशे में जाकर लगी और उसका शीशा मौके पर ही चकना चूर हो गया। इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद एलिस पेरी ने उस कार के सामने खड़े होकर फोटो भी क्लिक कराई, यानी कि वो बेहद खुश थी उस शॉट से, क्योंकि उस शॉट्स के बाद RCB वो मुकाबला भी जीती थी। क्या हुआ था, दरअसल मैच के 19वें ओवर में जैसे ही शॉट कार के पीछे वाली सीट पर लगा और वहां पर मौजूद दर्शकों का उत्साह जो था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। इतना ज्यादा शोर हुआ उस वक्त मैदान पे कि कुछ और कमेंट्री भी एक वक्त के लिए सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैदान पर लोकल टीम को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और RCB को खासकर हमेशा उनके फैंस सपोर्ट करते हैं। इस मैच में एलिस पेरी ने शानदार 58 रन बनाए तो कप्तान स्मृति मंधाना ने भी अपने बल्ले से जमकर ताबड़तोड़ रन बनाए। इस प्रतियोगिता में मंधाना गजब के लय में हैं। मंधाना ने इस मैच में मात्र 50 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 80 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और ये मैच RCB ने 23 रन से जीत कर अंक तालिका में अब यानी कि पॉइंट्स टेबल में अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉप पर बैठी है, पिछली बार की रनर अप है, 4 में से 3 मुकाबले जीते। नंबर 2 पर मुंबई इंडियंस, डिफेंडिंग चैंपियन, उसने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा 5 में से 3 मुकाबले जीतने वाली RCB की टीम तीसरे नंबर पर है। इससे पहले लगातार 2 मुकाबले हारे थे तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हो रही थी टीम पर, फिर से मुकाबला जीते हैं। और UP की टीम चौथे नंबर पर है तो गुजरात जायंट्स का भी खाता भी नहीं खुला है। कुल मिला के अब RCB के होम मुकाबले खत्म हो चुके हैं, अब इसके बाद दिल्ली में सारे मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन वहाँ का सपोर्ट जो मिला दर्शकों से वो काफ़ी ज़ोरदार था, क्योंकि जब टॉस के दौरान इतना ज़्यादा शोर होता था कि जो वहाँ पर स्मृति मंधाना बोलती थी उसके लिए भी काफ़ी तेज उन्हें बोलना पड़ रहा था, तो WPL की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।